Let's do question number 2 of exercise 7C. Question number 2 is, the area of two similar triangle ABC and PQR are in the ratio. हमें दो similar triangles ABC और PQR का area दे रखा है ratio में 9:16. और हमें BC कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें QR निकालनी है. अगर आप यहाँ देखेंगे triangles similar हैं, तो इसका मतलब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ए बी पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, बी सी और क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और सी ए एंड आर पी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. तो हमें बी सी दे रखी है और क्यू आर निकालना है, तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? क्यू आर है. तो हमें जो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं. सबसे पहले दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं जो कि हमारे सिमिलर हैं. कौन कौन से हैं? ए बी सी एंड पी क्यू आर. A, B, C and P, Q, R. एरिया दे रखा है दोनों का रेशियो में, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना दे रखा है? दैट इज 9:16. 9/16 कहें या 9:16 कहें, बात एक ही है. और क्या दे रखा है? हमें बी सी दे रखी है 4.5. बी सी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, और हमें क्यू आर निकालनी है. तो हमने जो थ्योरम पढ़ी थी रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स, उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल देंगे? क्यू आर निकाल देंगे. एज हमें पता है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो रेशियो है हमारी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसकी करस्पॉन्डिंग साइड आएंगी? मैंने आपको यहाँ पे बताया ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, और हमें बी सी दे रखी है, क्यू आर निकालना है. तो हम सीधा सीधा इसी का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि वो क्या होता था कि रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिए का रेशियो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो क्यू आर स्क्वायर. अब इन दोनों के एरिए का रेशियो कितना दे रखा है? 9:16. तो 9/16 इज इक्वल्स टू बी सी हमें दे रखा है 4.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्यू आर स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 9 क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 × 4.5 का स्क्वायर है, तो इसको मैं 4.5 × 4.5 लिख देती हूँ. राइट, अब क्यू आर स्क्वायर अपनी जगह इक्वल्स टू 16 × 4.5 × 4.5 upon 9. तो ये कितना आ गया? देखिए पॉइंट हटा, दो जीरोज लग गए. राइट, 9 was 9, 9 5s are 45, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 5 9s are 45 and 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 4s are 8. तो क्यू आर स्क्वायर कितना हो गया? 4 × 9, दैट इज क्यू आर स्क्वायर हो गया हमारा 4 9s are 36. तो क्यू आर कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 36, और हमें पता है 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6. तो क्यू आर आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर इज द आंसर.